साला वही हाथ रखता है जहां मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। अली सेठ जी, तूने मुझे छुआ? नहीं, हाथ लगाया तूने मुझे। मगर कहीं आप गिर जाते तो? हाँ मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता। तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत, कुत्ता, कमीना, भाग यहाँ से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डिटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। ए पुरी दे, जल्दी जी, दूर से, दूर से जरा। हाँ। चल, चल। अरे कौन है, कौन है, कौन है ये बदतमीज? मैं आपका जीजा हूँ साला जी, साला हूँ जीजा जी। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्रिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब? अरे भाई आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और एडुकोलोन के पानी से नहाना पड़ा। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना, ये भी एक गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई, पूरी खाई। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपके अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुद खुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। I don't believe you. अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रणजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। कुलकर्णी, वो कीड़े मकोड़े, वो गंदगी, वो गरीब उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं जहां मैं 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूं। सर, मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया, उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहां रहती है। ओफ, वो दिस मधु की गरीब सहेली, आई हेट हर। अरे ब्रजेश, तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? आई होप शी इज ऑलराइट। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। रमा बेटे, ब्रजेश, तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं। भाई साहब, हालात ही कुछ ऐसे थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा, ब्रजेश एक बात बता, इस लड़के की हैसियत, इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No. जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए, चला जा यहां से ब्रजेश, गेट आउट, और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। मैं तो यहाँ बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान ने करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। God bless you, Mr. Harbansla. God bless you. भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाड़ी क्यों रोकी? नो एंट्री सर। नो एंट्री कहीं बाहर में? गाड़ी चला। यस सर। अरे कौन उल्लू का पट्टा है जो नो एंट्री में घुसा चला रहा है? कौन है ये गधे का बच्चा, उसको बोलो गाड़ी पीछे ले। ए गाड़ी पीछे ले। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद, देखो तो। साले गाड़ी पीछे ले वरना सर तोड़ दूंगा। अरे तू गाड़ी पीछे ले वरना।
हरबू तू रंजीते हरबू एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, थैंक यू। पहले भी गंजा था, आज भी गंजा है। रंजीते बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले भी काला था और आज भी काला है। रंजीते कितना अजीब इत्तेफाक है यार कि एक शहर में रहने के बावजूद हम इतने बरसों तक नहीं मिले। लेकिन अब तो मिल गए ना। हाँ यार। चल मेरे साथ। लेकिन अरे मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये तो बता किसकी बेटी है? टेक्सटाइल किंग ब्रिजेश लाल की बेटी। क्या? ब्रिजेश लाल? फिर तो तेरा वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेश लाल मेरा छोटा भाई है और उसकी बेटी ने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ रंजीते, कल को ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना हो इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए तू चल मेरे साथ। कहाँ? बैरिस्टर गोखले के पास चल ना। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर हरबंस लाल, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार बच्चे बालिग हो गए तो वो जब चाहें जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने से धर्म समाज कानून कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ वकील साहब, ताकि कल मेरी बेटी किसी ड्राइवर या माली के बेटे के साथ भागकर शादी न कर ले। अगर अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा ना हो उसका कोई तोड़ कोई उपाय बताइए वकील साहब। रकम रकम मैं आपको मुंह मांगी दे दूंगा। यही आप अमीरों की खासियत है, भले से भले आदमी से बुरे से बुरा काम करवा लेते हैं। खैर अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ना। ये रहा कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। इसका क्या करूं मैं? इस पर आप अपनी बेटी के दस्तखत ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? दस्तखत लेते वक्त मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं उससे क्या करवा रहा हूं? क्यों नहीं पूछेगी? जरूर पूछेगी। इसीलिए आपको ये दस्तखत धोखे से लेने होंगे। धोखे से? चलो ले लूंगा। फिर आप उसकी शादी जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके दस्तखत यहां ले लीजिए। अच्छा फिर 5 गवाहों के और रजिस्ट्रार के दस्तखत मैं करवा लूंगा। फिर क्या? फिर फुर हो गए ना दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी। You're a genius. रंजीते, he's simply a genius. Genius. ये लीजिए, चेक, ब्लैंक चेक। अमाउंट आप खुद भर लीजिए। ये ब्लैंक चेक मेरा भी, मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। Why not? अरे रंजीते, तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है। मिसाइल।